वतन की आवाज में आपका इस्तकबाल है, आइए देखते हैं चंद तफसील। आज बात हल्के में जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैदराबाद पार्लियामेंट के समीर वलीउल्लाह साहब है, उनके साथ आज बहादुरगढ़ हल्के में पैदल दौरा किया गया। इसके लिए दौरे में चांदना कॉन्स्टिट्यूएंसी के इंचार्ज और कॉन्टेस्टेड एमएलए मुजीबुल्लाह शरीफ साहब और यादवपुरे के इंचार्ज और कॉन्टेस्टेड एमएलए हमीदा साहब और बहादुरगढ़ हल्के के जितने भी डिवीजन से डिवीजन प्रेसिडेंट जो कॉन्टेस्टेड कॉर्पोरेटर सीनियर लीडर सब भी यहाँ पे आए पैदल दौरे में। ये पैदल दौरे में हम डोर टू डोर हर किसी के घर पर जाकर उनको हमारा जो कार्ड है, हमारा गारंटी कार्ड था, वो गारंटी कार्ड उसको एक्सप्लेन कर लेते जा रहे थे। ये एक्सप्लेन करने में भी हम लोग ये मालूम पड़ा कि कांग्रेस गवर्नमेंट जो 6 गारंटी से पहले दी थी, अनाउंस करी थी, उसमें से 5 गारंटी तो अमल हो चुके। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स आ रहा है, हर कोई कहीं भी जाने तो सब बता रहे हैं कि हमारे तो 500 रुपये का सिलेंडर मिल रहा। कांग्रेस की हुकूमत है जिसकी वजह से हम महिला हर जगह पे भी पहुंच गया, कौन से भी जगह जाने तो हम फ्री में जा सक रहे हैं तेलंगाना में बसों में बोलकर। ये जो जो पब्लिक में जो रिस्पांस आ रहा है वो रिस्पांस बहुत अच्छा दिख रहा है। और उसी साथ अब जो जो पार्लियामेंट इलेक्शन हो रहे हैं उसके अंदर भी कांग्रेस पार्टी जो 5 न्याय का वादा की थी वो भी वादा, ये जहाँ पर जैसा तेलंगाना में 100 दिन के अंदर 5 गारंटी जो अमल में ला लिए, वैसे ये 5 न्याय भी जल्द से जल्द अमल में लाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी करेगी। और ये पब्लिक को भी भरोसा है कि ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी से हो सकता है, किसी से नहीं हो सकता। पहले फेज और सेकंड फेज में आप इलेक्शन देख लिए, पहले फेज में जैसा ही बीजेपी को समझ में आ गया कि उनके वोट का परसेंटेज गिर जा रहा है, कांग्रेस की इंडिया अलायंस आगे बढ़ रही है, ऑटोमेटिक वो शुरू कर दिए हिंदू मुस्लिम बोलकर रिलीजियस के ऊपर लगाना शुरू कर दिए, बोलना शुरू कर दिया है कि नहीं हिंदुओं का जितना भी प्रॉपर्टी है गहने हैं सब ले लेकर पूरे मुसलमानों को बांटा जाएगा। ऐसे होना बोल के जो प्रोपोगंडा यूज़ कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि और ये सब जो भी है कांग्रेस के जो कार्ड है कांग्रेस का उसके अंदर ही है मैनिफेस्टो के अंदर। मगर ये कांग्रेस पार्टी भी चैलेंज करी कि ये मैनिफेस्टो में कहाँ है बताओ बोलकर, कोई नहीं बता सका कांग्रेस का। सबको मालूम है ये हमेशा जब भी उनका पल्ला डाउन दिखता है समझ जाते हैं हिंदू मुस्लिम की शुरू कर देना, ये लड़ाई लगा देना। ये इसमें भी अभी भी आज भी बीजेपी वो करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम 400 सीट लाएंगे इस बार 400 पार। मैं तो बोल रहा हूँ इस बार 400 पार नहीं, जब घर घर कर जा रहे थे हर घर में बोल रहे हैं 400 पार नहीं, इस बार मुल्क पार होने वाले हैं बीजेपी वाले। यही हौसले से हमारे भी जो हौसले निकल रहा है जो बोल रहे हैं ये हौसले से हम भी आगे बढ़ रहे हैं। ये कल से ही हमारे कैंडिडेट का डोर टू डोर कैंपेनिंग कल से स्टार्ट हुआ, इंशाल्लाह पूरे कांग्रेस के साथ ये साथ जितने भी कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में हम जाएंगे, घर घर जाएंगे, हमारे जितने भी कार्टून में सब जाएंगे घर घर जाके ये प्रचार करेंगे। और जितने भी इससे पहले इलेक्शन में कहीं कोई नहीं ला सका उतने वोट लाने वाले हैं, और ये बीजेपी MIM को मुंह तोड़ जवाब सिर्फ कांग्रेस ही देने वाले हैं। अब दीजिए इजहार हक को इजाजत, मिलते हैं अगले खबर के साथ, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।